हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय बीकेजे। मैं आपको आज काढ़ा बनाने का रेसिपी दिखाने वाला हूँ, जिसको डिकॉक्शन भी बोलते हैं। अभी जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 बीमारी कैसे फैल रहा है, तो ऐसे बीमारी में हमको हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है। हमको ऐसा फूड खाना है जो हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करे, जैसे हो गया अदरक, लहसुन, हल्दी, कोकोनट ऑयल, तुलसी, ग्रीन वेजिटेबल, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। आज मैं कोई कड़ा रेसिपी बताने जा रहा हूँ, जो आपको घर में मिल जाएगा। ये रेसिपी में जो मैं इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहा हूँ, ये सबके घर के किचन में मिलता है। चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट क्या मैं यूज़ करता हूँ। और इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। इंग्रेडिएंट है तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, काली मरीच, थोड़ी सी काली मिर्च आपको लेना है, नमक, सॉल्ट, थोड़ा सा नमक, हल्दी, तो आपको पीसना है अच्छे तरीके से। और ये है जिंजर और अदरक, इसको हमें अच्छे से पीसना है जिससे इसका जूस निकल जाए थोड़ा। फिर 2 गिलास पानी लेना है, या आपके ऊपर डिपेंड, आप कितने जन के लिए बना रहे हो। आपको 2 गिलास पानी लेना है, फिर इसके अंदर आपके ऊपर डिपेंड, आप कितने जन के लिए बना रहे हो। ये इंग्रेडिएंट डालना है, तुलसी, ये पेस्ट, जिंजर, काली मिर्च के पेस्ट, थोड़ा सा, फिर इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी डालना है, हल्दी, थोड़ा सा नमक, इसको अभी जलने देना है और थोड़ा देर जलने देना, पानी थोड़ा कम हो जाए लो फ्लेम पर। फिर आपको इसको पीना है। इसको ढक देना है हमें। इसको लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक रखना है, पानी कम हो जाए। इसको 15-20 मिनट के बाद आपको उतारना है, पानी कम हो जाएगा। फिर इसको छान लेना है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपके रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम को ठीक करेगा, जैसे कफ, टॉन्सिल, डाइजेशन में हेल्प करेगा, और बहुत हेल्थ बेनिफिट है आपके, बहुत से हेल्थ को ठीक करने में काम आएगा।